हे गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल में देख के जान गए होंगे कि इस वीडियो में आप सभी को ये जो रियलमी 7 है इनका अनबॉक्सिंग आप सभी को मिलेगा इस वीडियो में। और दोस्तों, इस मोबाइल के सारा फीचर्स एंड दोस्तों इस मोबाइल में आप सभी को क्या क्या मिलता है, इसका रैम दोस्तों, इसका कितना इंटरनल स्टोरेज रहता है, ये सब आप सभी को इस वीडियो में सारा कुछ मिलेगा। और इसका कैमरा परफॉर्मेंस भी आप सभी को देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, इसमें इस मोबाइल का सारा सेटिंग्स एंड फीचर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप इस ये मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये मोबाइल के बारे में आप सभी को पता चलेगा। और दोस्तों, ये हमने लिया ऑफलाइन में, ऑफलाइन में कितना इसका प्राइस है, कितना कितने में आप सभी को मिल सकता है, ये भी आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, बिना लेट के करते इस वीडियो को स्टार्ट, और फिर मिलेंगे हमने इस वीडियो के एंड में। तो फटाफट से इनका अनबॉक्सिंग करते हैं और बॉक्स को हटाते। तो ये हमने दिया हटा, उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कवर। और दोस्तों, एक कवर में आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा जो सिम स्लॉट रहता है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे फिर। और दोस्तों, यहाँ पे यूजर मैनुअल देता है वो यहाँ पे अभी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को मोबाइल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम मोबाइल को निकाल लेते हैं। ये दोस्तों आपका मोबाइल, अभी मोबाइल को साइड में करते हैं और देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये 30 वाट का चार्जर आप सभी को मिलता है। और ये दोस्तों आप सभी को टाइप सी का मिलता है यूएसबी केबल, आप देख सकते हैं ये टाइप सी का है। तो दोस्तों, और कुछ नहीं, तो चलिए आप इसका मोबाइल के फीचर्स को जान लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप सभी जैसे कि मोबाइल देख रहे हैं, आप सभी के ऊपर में ऊपर साइड में कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे में आप सभी को मिलेगा 3.5 mm का हेडफोन जैक। उसके बाद आप सभी को एक माइक का जैक यहाँ पे देख सकते हैं, माइक का हो है हॉल। और दोस्तों, उसके बाद टाइप सी आप सभी को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को नीचे साइड में एक स्पीकर मिलेगा, जो कि इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को इस मोबाइल में 6 GB रैम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, 64 GB आप सभी को रोम इंटरनल देखने को मिलेगा इस मोबाइल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल की अगली जो अगली फीचर की बात करें, तो हमको सेल्फी कैमरा 16 MP का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी में फ़ोटो आ जाता है। और रियर कैमरा अगर बात करें तो सोनी का 64 MP कैमरा मिलता है, जो कि 64+8+2+2 का ये है सोनी का, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर इस मोबाइल की हम इसकी बैटरी का बात करें, तो दोस्तों आप सभी को बैटरी बहुत ही लंबे टाइम तक बैकअप दे देगा। 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। उसके बाद 30 वाट चार्जर के साथ आप सभी को मिल जाता है, जो कि दोस्तों 1 आवर्स में चार्ज होगा। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को 3 कार्ड स्लॉट मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, अगर इस मोबाइल की प्रोसेसर की बात करें, तो MediaTek हेलो G19 प्रोसेसर मिलता है। गेम के लिए बहुत ही अच्छे माना जाता है दोस्तों, क्योंकि गेम के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है गेम में। उसके बाद दोस्तों, इस मोबाइल की फिंगरप्रिंट की सेंसर बात करें, तो यहाँ पे इंस्टेंट साइड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होता है पावर बटन में, जो कि बहुत ही फास्टली ओपन हो जाता है, जैसे कि आप अभी देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इनका एक बार फेस अनलॉक हम लोग टेस्ट करके देखते हैं फेस लॉक की कितना ये फास्ट ओपन होता है। तो जैसे कि ये मोबाइल दोस्तों, और ये हमने प्रेस किया और ये खुल गया। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग सामने में देख रहे हैं कि ये कितना फास्टली खुल रहा है। तो ये दोस्तों इसका फेस लॉक है, और ये दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस मोबाइल की डिस्प्ले का साइज अगर बात करें, तो दोस्तों आप सभी को मिल जाता है 6.5 इंच का डिस्प्ले आप सभी को मिलता है। और दोस्तों, 90Hz अल्ट्रा स्मार्ट डिस्प्ले मिलता है, जो कि दोस्तों आप सभी को फुल HD डिस्प्ले आप सभी को मिल जाता है देखने को। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे डिस्प्ले है। और दोस्तों, अगर इस मोबाइल की पिक्स की बात करें, तो जैसे कि आप अभी सामने में देख सकते हैं, इस मोबाइल का दोस्तों जो भी मैंने अभी तक पिक खींचा और फोटो खींचे हैं, वो बहुत ही अच्छे आए। मेरे पर्सनली ओपिनियन ये कि इसका दोस्तों जो 64 MP का कैमरा सामने में दे रखा है, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छे से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप स्लो मोशन वीडियो की बात करेंगे इस मोबाइल की, तो दोस्तों काफ़ी हद तक ये स्मूथ तरीके से वर्क करता है स्लो मोशन में वीडियो को बनाने के लिए। और दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि कितना स्लो आप सभी का वीडियो कर रहे थे। दोस्तों, ये था कुल इन मोबाइल की अपडेट।